हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल घर से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, यहाँ पे जो है ना, हम लोग करने लगे हैं गोल्डन सैंड को वॉश। और गोल्डन सैंड को वॉश करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोगों ने ले लेनी है 2 अदद बाल्टियाँ, ठीक है, पानी की भर के। हम लोगों ने पानी ले लिया है यार। ये पानी जो है ना, टंकी जो है ना, वो उसकी वजह से डस्ट वगैरह पड़ जाती है, तो उसकी वजह से पानी इस तरह का हो जाता है, ऊपर से धूप लगती रहती है। चलो यहाँ पर क्या करना है जी, हम लोगों ने ना, मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोसेस दिखा देती हूँ, फिर हम लोग जो है ना, इसके बाद भी प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे गोल्डन स्टैंड को वॉश करने से लेकर उसको रीन्यू करने का प्रोसेस, ठीक है। ये गमले से ना, मम्मा ये गमला इसमें डालिएगा, इसे भी रहने दो, बाद में कर लेना। अच्छा, मिक्स कर दो अब इसको। अच्छा, मिक्स करके ना कूलन वेला कर लो। कर लो, कर रहने दो, चले इसमें कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर रखो से। चलो, ये सारा गमला है, ठीक है, जो कि गोल्डन सैंड का है। मैंने कहा चलो ये शॉर्ट प्रोसेस आप लोगों को ये भी दिखा दें। आहिस्ता आहिस्ता अभी और भी है, ये देखो, जैसे हम मड की सैंड सेपरेट करते हैं ना, ऐसे ही मैंने इसको वॉश करना है और इसके स्टोन सेपरेट कर लेने हैं। कलर चेक करो इसका, ये लगती नहीं है गोल्डन है। अब इसमें हम पानी डालेंगे ज़्यादा सारा, और इसमें ना डिटर्जेंट डालना है, ठीक है, सरफ जिसको कहते हैं। अब वो सरफ नीचे है, नहीं मैं लेकर आती हूँ, वो भी इसमें ऐड करना है। अभी कितना पानी ऊपर है जो गंदा सा है, सारा का सारा निकालना है। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि मैं ना इसको सिट भी कर लूँगी साथ साथ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अजान भी स्टार्ट हो गई है। चलो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको स्ट्रेन आउट कैसे करना है, ताकि इसके स्टोन्स भी सेपरेट हो जाए, उसकी सैंड भी सेपरेट हो जाए। बड़ा वाला स्ट्रेन ऐसे निकाल, ये देखो ऐसे ना, इसके स्टोन्स भी डांस से निकल आएंगे। जल्दी हो जाता है, इसमें जल्दी हो जाएगा। ब्रीक करो ना, जान लाऊंगे। सारा पाउडर चाहिए, पानी ये भी तुझे लैदा ना,
खत्म हो गया स्टोन सही। इसको सरफ डालना नहीं, अब इसको पानी को गंदे को निकालते हैं, इसमें निकाल के फिर साफ पानी डालते हैं। अच्छा ऐसे नहीं, एक मिनट करो, ऐसे कर दो काम, पपड़े करो डब्बा सू तो ना ना बिचो कि बड़ी फैन डब्बा। छोटी सी डब्बी ले रहे हैं पानी निकाल ਅਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੋ ਡੱਬੇ ਨਾਲ। ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਚਾਹ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਚਾਹ। ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਡੱਬਾ ਵੀ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਕੜੋ ਯੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਗਿਰਾ ਦੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਾਓਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੱਪ ਮੇ ਡਾਲੀ ਜਾਓ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਤੂੰ इसमें भी लिक्विड है बंदा इसे ऊपर टप में डाल देता कोई चीज हो और बाल्टी बड़ी ला के ठहर अच्छा जनाब अगेन इस पे पानी डालने लगे हम ठीक है मां मैं तो कहती हूं इस बाल्टी में डाल दी उस टाइम हैं बाल्टी में डाल दे इसमें ही पानी जरा अच्छे तरीके से दो ले जाएगी ले पानी सरफ ले के आधी मुझे लगता है इसमें दूसरी रेट ऐड हो गई है। अब इसका फिर दोबारा पानी निकाले। हाँ निकाल दो, मैं सरफ ले कर रखती हूँ कभी नहीं, दो दफा पानी निकाल दी। ये वाली बक्की टाके करते अभी वो वाली बक्की बड़ी है ना हम्म
ये पानी पाई जाए अभी इसका पानी इसमें निकालते हैं। अब हम रेत को साफ पानी में निकालते हैं। नहीं वो इसमें मैंने कहा रेत तो पानी में डाल फिर इसको दूसरे साफ कर देना है। तो ऐसे पानी भी साफ था पाता है। डब्बे के नाल पानी च पाई जाए ए वाली बाल्टी पाई अपड़े करो टापड़े करो टापड़े करो। चलो अब इसके ऊपर डालो इसके साथ ताकि हमारी सैंड आ जाए नीचे पानी निकल जाए। पाओ पाओ सारा पा दो ना एक दम चुप के पा दो। इसको भी डाल दो राम से राम से वाल वूल बैके जड़ा हो जाना निकल जाएगा। अच्छा जनाब अब बारी है जी बाल शाल निकालने की। तो सारा एक दफ़ा अच्छे से धो लो फिर धोने के बाद अब इसमें देखो ना कहीं ना कोई बाल भी है ऐसे ठीक है। तो ये सारी की सारी सैंड में से मैंने बाल शाल भी निकालने तो इसलिए फिर मैं इस तरह से जो है ना ये देख लो ठीक है इस तरह से फिर उसको साफ़ करेंगे। अब बाल निकालते जाएंगे साथ साथ और साथ साथ जो ब्रिक्स वगैरह होंगे वो भी निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हम सैंड को वॉश करते जाएंगे। सैंड अब वॉश हो गई है आराम से। एक बाउल है अभी ये बस सैंड का और डब्बा पाई जाओ मामा पानी बाल ना जान दो राम ना राम राम ना करो। हाँ पीछे करो थले करो चल चल राम राम चल
ये देखो हमारे स्टोन भी धुल जाएंगे ऐसे, और हमारा जो है ना सैंडविच सारी की सारी नीट एंड क्लीन हो गई। अब इसमें किसी किस्म का कोई ग्रेन नहीं है और ना कोई बाल है। अब ये सैंड जो है ना हम दोबारा कोले में निकालने लगे। कोई चीज़ ना बिछाऊँ नीचे ज़मीन पर निकाल दूँ कपड़ा बिछा के, कपड़ा है ही नहीं। एक कपड़ा नज़र आया था मुझे, वो दुपट्टा, वो दुपट्टा बिछा दिया। चलो जी जनाब, मामा वहाँ वो जो सैंड है वो उसमें निकाल रही हैं, ठीक है ऐसे ही, और इसमें हमने इसके ऊपर डालते जाना, ठीक है। मामा पकड़ाए मुझे बाउल, मैं डाल के दिखा दूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे ऑफ कैमरा। ये अब सैंड हमारी धुल चुकी है, इसमें ना छोटे छोटे ग्रेन्स हो गए हैं, जैसे वो रेड के, ब्लैक के, चारकोल के, वाइट के, तो उस वजह से ऐसा लगता है जैसे सैंड है। चलें जनाब, बाकी का प्रोसेस सारा सैंड ड्राई करने के बाद